कई काले दिन हमने इस सत्र में या पिछले सत्रों में हम लोगों ने देखा, ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है कि इस प्रकार का व्यवहार मुख्यमंत्री जी की ओर से रहा। बिहार विधानसभा में अध्यक्ष जो होता है वो कस्टोडियन होता है हाउस का, आप उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, डिक्टेट नहीं कर सकते। ये अद्भुत है, इसी सरकार में हम लोगों ने देखा कि बीजेपी का मंत्री एमएलए अपने ही मंत्री को कुछ आरोप लगाता है, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा की सरकार पे आरोप लगाते हैं, जनता दल यूनाइटेड के मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, कई आरोप लगा सकते हैं। इसी सदन में हमने देखा कि मंत्री ने इससे पहले भी स्पीकर को उंगली दिखाते हुए क्या कहा था। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। कल बिहार विधानसभा से जो तस्वीरें देखने को मिली, इसको लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का गुस्सा सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक लाइन में सीएम नीतीश कुमार को यह समझा दिया है कि आप स्पीकर को इस तरह से डिक्टेट नहीं कर सकते। आपको बताएं कि अपने चुनावी सभा को लेकर तेजस्वी यादव कटिहार पहुंचे हैं और कटिहार पहुंचने के साथ ही उन्होंने जमकर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मैं सदन में अक्सर ये बैठ कर देखता हूँ कि किस तरह से ये लोग आपस में ही भिड़ते हैं, और इससे पहले भी जेडीयू के मंत्री ने और बीजेपी के मंत्रियों ने स्पीकर विजय सिन्हा को उंगली दिखाकर बात की है, उनकी बेइज्जती की है। ऐसे में कल जो कुछ भी सीएम नीतीश कुमार ने किया वो कहीं से भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। क्या कुछ कहना है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का और किस तरह से उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को ये फटकार लगाई है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। कई काले दिन हमने इस सत्र में या पिछले सत्रों में हम लोगों ने देखा, ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है कि इस प्रकार का व्यवहार मुख्यमंत्री जी की ओर से रहा। बिहार विधानसभा में अध्यक्ष जो होता है वो कस्टोडियन होता है हाउस का, आप उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, डिक्टेट नहीं कर सकते। और ये अद्भुत है, इसी सरकार में हम लोगों ने देखा कि बीजेपी का एमएलए अपने ही मंत्री को कुछ आरोप लगाता है, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के सरकार पे आरोप लगाते हैं, जनता दल यूनाइटेड के मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, कई आरोप लगा करके। इसी सदन में हमने देखा कि मंत्री ने इससे पहले भी स्पीकर को उंगली दिखाते हुए क्या कहा था। कल जो हुआ बहुत दुखद है, आप मुख्यमंत्री हैं, लीडर ऑफ द हाउस और कस्टोडियन ऑफ द हाउस, स्पीकर को आप डिक्टेट कर रहे थे, आप झाड़ लगा रहे थे, लोकतंत्र कहाँ बची? फिर इस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वो भी मुख्यमंत्री द्वारा, ये बड़ा निंदनीय है। क्या क्या नहीं कहा मुख्यमंत्री जी ने, क्या क्या नहीं कहा। सवाल तो जायज था कि भाई जांच जो है क्यों नहीं हो पाती है, और जांच हो भी रही है तो क्या जांच हो रही है, ये सदन में स्पष्ट करें। मंत्री उत्तर नहीं दे पाते, प्रश्न को स्थगित करना पड़ता है, और मुख्यमंत्री आते हैं और सीधे स्पीकर को ही झाड़ने लगते हैं, तो क्या मतलब रह जाएगा। ये तक कह दिया कि संविधान आपको नहीं पता, स्पीकर को आप होते कौन हैं, उंगली दिखा दिखा करके इस तरह का बयान देना, हमको लगता है कि मुख्यमंत्री को इस मामले में आज हाउस चलेगा अभी 11 बजे से, हमको जहाँ तक लगता है कि मुख्यमंत्री को माफ़ी जो है अध्यक्ष से मांगनी चाहिए, वरना ऐसे कोई मतलब नहीं रह जाएगा बिहार विधानसभा का।
सबसे बड़ी पंचायत बिहार की है और वहाँ आप इस तरह का रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं। जब अध्यक्ष को ही आप नहीं पूछते, मानते ही नहीं हैं, ये तो एक दृश्य दिखाया कि भाई ये तानाशाह का दौर चल रहा है। और ये तो जानते हैं ना मुख्यमंत्री जी कि भाई तीसरी नंबर की पार्टी है, मुख्यमंत्री बने हैं तो कृपा से मुख्यमंत्री बने, तो इसका टीस है उनको। और सारा टीस जो है, जाहिर सी बात है, इतनी हिम्मत तो है नहीं कि केंद्र में जो शीर्ष नेतृत्व तो है उस पे उतारें, तो स्पीकर साहब मिलके उतार दिया। अब हम इस पे टिप्पा टिप्पणी हमको ज़्यादा करना ठीक नहीं लगता, लेकिन अगर लोकतंत्र के मंदिर को बचाना है और एक सही संदेश देना है तो मुख्यमंत्री जी को आज माफ़ी मांगनी चाहिए।